सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने YouTube वीडियोस के लिए अट्रैक्टिव यानी कि दोस्तों एक अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हैं, वो भी दोस्तों अपने मोबाइल से। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो कोई भी टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि दोस्तों हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी एक बहुत अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हैं। मैं भी दोस्तों अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही बनाता हूँ। मेरे पास दोस्तों एक अच्छा सा एक पीसी है, लेकिन दोस्तों मुझे एंड्रॉयड से ही थंबनेल बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक तो बहुत ही जल्दी जाता है, और दूसरी बात है कि दोस्तों इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी आती है, सारी चीजें दोस्तों एकदम सेट हुई होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत फास्ट काम होता है एंड्रॉइड मोबाइल से कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों इस तरह मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने मोबाइल में कि बहुत ही बढ़िया एक थंबनेल बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, और दोस्तों अच्छा लगता है कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज हम लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह हम एक अच्छी खासी थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जो थंबनेल बनाने के लिए है जो हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन, वो है दोस्तों पिक्सल लैब, जो कि दोस्तों हम प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर सर्च मारते हैं पिक्सल लैब, वो कि दोस्तों बिल्कुल फ्री है। उसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हो स्क्रीन की तरफ कि इस तरह का है इसका इंटरफेस। दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे इसे ओपन करते हैं आप, तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको सिंपली यहाँ पर जो थ्री लाइनिंग दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको इमेज साइज दिख रहा है, तो दोस्तों आपको जैसे इमेज साइज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर जैसे आप दोस्तों करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यूट्यूब थंबनेल का जो ऑप्शन ऑलरेडी इसके अंदर दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये साइज जो आपके थंबनेल के अच्छे लिए अच्छी होती है, बढ़िया होती है, वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है। जैसे दोस्तों सेलेक्ट करता है आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो ये पहले वाला टेक्स्ट है इसको आपको यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों इसे डिलीट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस, दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे इंटरफेस मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए दोस्तों आपको वहाँ वो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप पहले साइज कर ले तो उसका कन्वर्ट बाद में दोस्तों अगर आप वापस चेंज करते हो दोस्तों आपको वापस जो अपनी साइज चूज करनी होगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ मुझे ये चाहिए, तो दोस्तों जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑनरे दोस्तों ऑटोमेटिकली इसकी साइज बदल जाती है, जिससे कि दोस्तों मुझे थ्री लाइनिंग में जाकर वापस इसकी साइन जो साइज है वो मुझे बदलनी पड़ती है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करते हो, कस्टम पर जाकर यूट्यूब थंबनेल पर वापस उसी तरह आपको कर देना है। यहाँ पर दोस्तों वापस ही डिलीट मार देना है, और दोस्तों आप जो इस तरह इसके अंदर जो अलग अलग इंटरफेस ला सकते हो। दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारे यूट्यूब, जो यूट्यूब की थंबनेल में, तो हम इसमें जो दोस्तों इमेज कहाँ से लाएंगे, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है इमेज लाने के लिए, सिंपली यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमें प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इंटरफेस आ जाते हैं, जैसे कि दोस्तों टेक्स्ट आ गया, करंट डेट आ गया, स्टिकर आ गया, स्नैप्स आ गए, फ्रॉम गैलरी और दोस्तों ड्रॉ। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर अलग अलग फीचर्स, जहाँ पर आपकी फ़ोटो है उस वहाँ से आपको यहाँ दोस्तों आपको ले लेनी है फ़ोटोज़। तो सिंपली दोस्तों मैं फ़ोटोज़ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जो अपनी एक फ़ोटो चूज़ कर लेता है, जैसे दोस्तों ये करता हूँ, और ये जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लेता है, जैसे दोस्तों मैं ये करता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हो कि आप इस तरह इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली इसके राइट पर क्लिक कर देना। दोस्तों इस तरह जो आपकी जो भी इमेज होगी वो दोस्तों इस तरह शो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेट कर लेना। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और ये करने के बाद में सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको जो नीचे थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके इस इमेज के आउटबोर्डिंग लगाना है, यानी कि दोस्तों बाहर की वो वाइट लाइनिंग आती है वो लगानी, तो दोस्तों सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना जो भी इमेज आपका सेलेक्टेड है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें दोस्तों जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है, जैसे आप नीचे आते हो तो दोस्तों
यहाँ पर स्ट्रोक दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर, तो दोस्तों आपके पास इसे इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे इनेबल करते हो तो आपके पास यहाँ पर लाइनिंग आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको कलर्स भी मिलते हैं, और अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कलर्स नहीं मिलते तो आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से दोस्तों आपको कलर चूज कर लेना है। दोस्तों मैं व्हाइट ही रहना देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ब्लैक में व्हाइट काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए दोस्तों आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो सिंपली थोड़ा ही ले लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इतना ले लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लेते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों आपको करना है क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपली दोस्तों अब ये तो हो गया हमारे जो इमेज का काम, अब हम सोचेंगे वही यहाँ पर टेक्स्ट कैसे लेंगे। तो सिंपली दोस्तों टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली आपको वापस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट थंबनेल। तो दोस्तों टाइप करता हूँ मैं हाउ टू क्रिएट दोस्तों ये आ चुका है इस तरह। दोस्तों लिखने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है जो कि दोस्तों बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों आपको इसको बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ए, यानी कि दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको इसको यहाँ पर साइज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आप यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप इससे बड़ा करते हो तो दोस्तों आपकी साइज यहाँ पर जो इस टेक्स्ट की साइज जो बढ़ती जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे इस तरह से बढ़ा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इसका जो फॉन्ट चेंजिंग की, दोस्तों यहाँ पर ही आपको मिल जाता है फॉन्ट। इस पर आप क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट मिलते हैं, उसमें से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। सिंपली दोस्तों मैं जैसे कि कोई भी फॉन्ट यहाँ पर ये कर लेता हूँ, करने के बाद में सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों काफ़ी बेहतर हमारे ये फॉन्ट लग रहा है, और हम इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहा साइज, साइज पर जाने के बाद में सिंपली आपको इसे थोड़ा और बड़ा कर लेना है, ताकि दोस्तों आपका जो थंबनेल है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव लगना चाहिए। दोस्तों मैं इसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद में सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर जाना है, और नीचे यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है बैकग्राउंड, इस पर आपको जैसे क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको वापस इन्हें इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में सिंपली दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर सकते हो। सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको रेड क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये YouTube के बारे में कोई भी वस्तु आती है तो दोस्तों उस पर YouTube का जो कलर है यानी कि रेड और व्हाइट, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप इसे इस साइड या इस साइड और भी इसे स्क्रॉल करवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा आपको ऑप्शंस दिया है इसमें। दोस्तों अगर आप इस तरफ करना चाहते हो इस तरफ, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी एक थंबनेल क्रिएट हो जाती है प्रोफेशनल, जो दोस्तों फोटोशॉप से होती है। दोस्तों ये तो हो चुका है हमारा जो नीचे वाला बोर्ड यानी कि दोस्तों फुटर वाला। और दोस्तों अगर आप बीच में अगर कुछ भी लोगो लगाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर वापस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों वापस गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर अपने जो भी जहाँ पर आप फोटो रखते हो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों आपको जो चूज़ करना है फ़ोटो वो आप कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं ये करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं इसे रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह जो हमारा एट्रैक्टिव, जिस तरह का आप दोस्तों जो करना चाहते हो, जिस तरह की आप थंबनेल बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ पर अच्छी खासी एक थंबनेल बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें दूसरा अगर आगे की, तो यहाँ पर दोस्तों आप बहुत सारी, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे एडवांस, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर अगर फॉन्ट कलर की बात करें तो दोस्तों जैसे हम इस जैसे कि थंबनेल वाला का फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो दोस्तों हम ए पर क्लिक कर देंगे, और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें बहुत सारे यहाँ पर कलर दिख जाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, तो वापस हम फिर से व्हाइट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट पर क्लिक
कर देते दोस्तों। इस तरह जो है आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग का जो मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों आप अच्छे खासे एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में सिंपली दोस्तों अगर आप इसे सेव करना चाहते हो या फिर दोस्तों आपका प्रोजेक्ट अगर आधा ही हुआ है तो दोस्तों आपको ऐसा प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों जब भी आपको वापस टाइम मिले तो दोस्तों आपको वहीं से वापस कार्य शुरू कर देना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव है प्रोजेक्ट और दोस्तों सेव एज इमेज। तो दोस्तों अगर आपको प्रोजेक्ट सेव करना है तो दोस्तों आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। जैसे कि दोस्तों मैं देता हूँ थंबनेल। दोस्तों ये देने के बाद में सिंपली आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर डन पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका ये सेव हो जाता है। तो दोस्तों सिंपली मेरे ऑलरेडी होगा तो दोस्तों मैं थोड़ा और नाम देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से जो सेव कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वापस सेव पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। इसी तरह दोस्तों आप जो इसे अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हो डायरेक्टली। दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं है कि आपको उसे फीचर जो परचेज करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अगली बात करें कि भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट तो सेव कर दिया, लेकिन दोस्तों वो प्रोजेक्ट आएंगे कहाँ, हमें कहाँ दिखेंगे? तो सिंपली दोस्तों आप वापस आ जाते हो यहाँ पर इंटरफेस पर। दोस्तों आपको यहाँ पर जो फोल्डर दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, दोस्तों अभी हमने सेव किया था थंबनेल कुछ भी नाम दिया था वो है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट सेव हुए। तो दोस्तों आप इस तरह का जो प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिलहाल में के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों रोजाना हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।